एक हाफिज़ कुरान लड़की जिसकी मैयत को मरने के बाद कफन तक भी नसीब ना हुआ जब इसको कफन पहनाया जाता तो वह जगह जगह से फट जाता और जल जाता आखिरकार इसे बग़ैर कफन ही कवर में दफन कर दिया गया और फिर इसको दफ़न करना भी इतना आसान नहीं हुआ इसकी कबर जहाँ पर भी खोदी जाती वहाँ पर अचानक से पानी भर आता हालांकि बारिश का कोई मौसम नहीं था इस कदर होलनाक अजाब इस पर क्यों आया ये वाक्य औरतों के साथ साथ मर्दों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है लिहाजा गुजारिश यही है कि ईमान की मजबूती के लिए इस वाक्य को मुकम्मल ज़रूर सुनिएगा ये कहानी इस हाफज कुरान लड़की की सहेली कुछ इस तरह से बयान करती है कि हमारे मोहल्ले की ये सबसे ज़्यादा नेक और बाकेदार लड़की थी जिसका नाम राबिया था राबिया इतनी ज़्यादा नेक थी कि जब भी हमारे मोहल्ले में किसी औरत को इंतकाल होता वो इस दुनिया से चली जाती तो राबा को अपने पास बुलाते और कहते कि मैयत के कान में वो अजान दे दे शायद इसके अगली मंजिल आसान हो जाए और लोग राबिया से मफ़रत की दुआ करवाते थे राबिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मेरी कज़न भी थी हम लोग ऊपर नीचे के मकानों में रहते थे लेकिन आज जब वो ख़ुद इस दुनिया से चली गई तो इसके साथ जो हो रहा था ये देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था ये वाक़ हमारे पूरे मोहल्ले के लिए ऐसा वाक़ था जो आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर रहता है लेकिन जब इसकी हकीकत सामने आई तो सब लोगों के सर शर्म से झुक गए और राबिया आज भी हम सब के लिए एक सवाल बनकर रह गई है वो कहते हैं ना कि दो बहनें हमेशा एक जैसी नहीं होती राबिया की एक बहन महविश भी थी जो बिल्कुल भी इसके जैसी नहीं थी अपनी बहन से बहुत जलती थी इसलिए अपनी खुद की बहन होने के बावजूद भी राबिया हमेशा मुझसे ही बहन का दर्जा देती थी मेरा नाम फातिमा है मैं भी राबिया की हम उम्र हूँ राबिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे जिसमें ऊपर नीचे के चार घर थे और हम लोग ऊपर वाले घर में रहते थे और हमारे नीचे वाला घर राबिया का था साइड में भी कुछ लोग रहते थे एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा एक घर था लेकिन इस घर में चार फैमिलिया रहती थी हमारे घर में एक छोटा सा रास्ता भी था जिसे हम एक दूसरे के घर आया जाया करते थे हमने वो रास्ता बंद नहीं किया था मेरी माँ और राबिया की माँ की भी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी लेकिन महविश यानी कि राबिया की बहन उसकी किसी के साथ भी नहीं बनती थी ना तो मेरे साथ ना अपनी बहन के साथ और ना ही अपनी माँ के साथ राबिया की माँ अपनी बेटियों पर हैरान होती थी और कहती थी कि मेरी एक बेटी इतनी अच्छी दीन और दुनिया दोनों के हवाले से बहुत ही अच्छी है और दूसरी बेटी को पता नहीं क्या है मेरी माँ समझाती थी कि वो भी वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी राबिया पर इसकी दादी का असर था इसकी दादी बहुत ही नेक और परहेजगार थी वो बहुत अच्छी औरत थी राबिया पूरे मोहल्ले में मशहूर थी वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी जब कोई इस दुनिया से चला जाता तो इसके कान में कुरान पाक की तिलावत करने के लिए राबिया को ही बुलाया जाता था और उसको कहते थे कि इसके लिए दुआ करें। लेकिन अक्सर वो मुझसे ये कहती कि लोग मुझसे दुआ करवाने का क्यों कहते हैं मैं तो खुद एक गुनाहगार सी बंदी हूँ क्या पता कल को जब मैं इस दुनिया से चली जाऊँ तो पता नहीं मेरे साथ कब्र में क्या होगा मैंने कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो तुम जैसी अच्छी लड़की इस पूरे मोहल्ले में नहीं है तुम्हें नहीं पता राबिया आजकल की लड़कियाँ किस तरह की हैं अपनी बहन को ही देख लो वो कहने लगी कि तुम्हें मैंने अपनी बहन के बारे में एक बड़ी ज़रूरी बात बतानी है और बात इतनी बड़ी है कि तुम्हें बताए बिना मैं रह नहीं सकती और ये बात मेरे अम्मी अबू के कानों तक भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है मैंने इससे कहा कि तुम खुद ही क्यों नहीं बता देती तो इसने कहा कि अगर मेरी बहन को पता चल गया कि मैंने इसकी शिकायत की है तो हम दोनों की ज़िंदगी में और भी ज़्यादा नफ़रत और जहर घुल जाएगा हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और पहले ही वो मुझे अपना दुश्मन समझती है इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात मेरे अम्मी अबू तक पहुँचा दो ताकि वो इसको कोई ना कोई हल निकाल सकें या तो इसकी शादी करवा दें या फिर इससे पूछें कि वो किस तरह की हरकतें कर रही है मुझे रबिया बड़ी परेशान लग रही थी मैंने कहा कि बताओ कि क्या बात है तो इसकी बड़ी बहन वहाँ पर आ गई और राबिया मुझे इशारा किया कि मैं बाद में बताऊंगी इस दौरान मैं और मेरे घर वाले दो दिन के लिए गांव अपनी नानी के घर चले गए मैंने इससे कहा कि जब मैं वापस आ जाऊंगी तो हम आराम से बैठकर बात करेंगे लेकिन जब हम दूसरे दिन वापस आए और अभी रास्ते में ही थे हम अपने घर की तरफ आ रहे थे तो अचानक हमें शीद किस्म का जल्जला महसूस हुआ हम लोग रास्ते में ही थे इसीलिए हमें पता नहीं चला कि जल्जले की शिद्दत कितनी है बस वाले ने गाड़ी एक तरफ रोक ली वो बहुत बड़ा खुला मैदान था इसलिए अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि जल्जिला किस किस्म शदीद था लेकिन जब घर आए तो ये देखते ही कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि जलजिला बहुत तेज़ शिद्दत का था और हमारी बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा हिलने की वजह से हमारे कमरे की छत गिरी हुई थी जिसकी वजह से इसके नीचे वाला कमरा बिल्कुल ही तबाह बर्बाद होकर टूट चुका था लेकिन बाकी घर सही सलामत खड़ा था अब हमारे दिल में यही दुआ थी कि कुछ बुरा ना हो लेकिन बुरा हो चुका था इस कमरे में रबिया रहती थी और वो इस दुनिया से जा चुकी थी इसकी माँ और बाप की हालत बहुत बुरी थी इनकी जवान बेटी इस दुनिया में नहीं रही थी और वो भी एक हादसे में जिसके नतीजे में इसे दुनिया से जाना पड़ा ये कोई छोटी बात नहीं थी मेरे लिए तो ऐसा ही था कि जैसे मेरी खुद की अपनी बहन इस दुनिया से चली गई हो हर तरफ अजीब सी भाग दौड़ मची हुई थी जल्दी जल्दी इसे वहाँ से निकाल कर हस्पताल ले गए हस्पताल ले जाते हुए फिर भी इसमें कुछ सांसें बाकी थी लेकिन जैसे ही अस्पताल पहुंचे तो इसने अपना दम तोड़ दिया राबिया दुनिया से जा चुकी थी हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान भी थे और परेशान भी हमें तो पता ही नहीं था कि हादसा हुआ है और हादसे में कुछ ऐसा भी हो सकता है राबिया के माँ बाप की हालत बहुत ही अजीब सी थी इसकी माँ भी होश हो गई थी ऐसा लगता था कि जैसे गहरी बेहोशी में चली गई है अब वो अस्पताल में पड़ी थी और इसका बाप बाकी के मामला संभाल रहा था राबिया की मैयत को और इन लोगों को एक घर में ले गए जो हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा घर था और वो लोग भी राबिया को बहुत पसंद करते थे और इनका एक बहुत बड़ा सहन भी था सोचा कि वहीं पर आखिरी रसूम अदा की जाएंगी जैसे कि गसल देना मैयत को दफनाने के लिए तैयार करना और फिर वहीं से जनाजा भी ले जाएंगे क्योंकि इन लोगों का घर तो टूट चुका था लेकिन अभी यहाँ पर क्या होने वाला था ये सब कुछ हम लोग सोच भी नहीं सकते थे राबिया के चेहरे को ढांपा हुआ था इसकी एक वजह बताई जा रही थी कहा जा रहा था कि राबिया ने खुद कहा था कि मेरी मैयत को कोई भी ना देखे क्योंकि मरने के बाद भी वो पर्दे में रहना चाहती थी वो हमेशा पर्दा करती थी वैसे तो इसका कोई भाई नहीं था इसलिए घर में तो नॉर्मल तरीके से ही रहती थी लेकिन बाहर निकलती तो पर्दे के सारे वसूल पूरे करती थी और दस्ताने भी पहनती थी गर्मी हो तब भी ये पर्दे में ही रहती थी राबिया हमारे मोहल्ले में बहुत ही मशहूर थी इसलिए इस प्यारी और लड़की के जनाजे में हर कोई शामिल होना चाहता था और सब औरतें मैय पर आना चाहती थी इनका घर आहिस्ता आहिस्ता लोगों से भरने लगा रिश्तेदारों को कौन फ़ोन कर रहा था ये हमें नहीं पता था लेकिन बहुत से लोग आ रहे थे मैं भी लोगों की खातिर में लगी थी जो लोग दूर से आते थे इनको पानी पिलाती थी लेकिन अब मैयत को गुसल देने का वक्त हो गया था मैयत को गुसल देने के लिए राबिया की एक फुफो आगे बढ़ी इन्होंने कहा कि बाकी कोई भी नहीं आएगा ये भी राबिया की आखिरी वसीहत थी मैं तो इस बात पर हैरान हो रही थी कि जो शख्स एक हादसे की सूरत में इस दुनिया से चला गया हो और वो भी इतनी आनन फानन कि इसे पता ही नहीं कि अगले पल इसकी मौत है इसको वसीयत करने की मोहलत कब मिल गई इसने जाते जाते ऐसी वसीयत की कि ये ना किया जाए और वो ना किया जाए खैर मैं तो ये सोच ही रही थी कि मैं आखिरी दफ़ा इससे मिलकर सही से बात भी ना कर सकी इसे दो दिन पहले ही तो देखा था अपने रिश्तेदारों के घर जाने से पहले और वापस आई तो ये सब कुछ हो चुका था मैं इसकी दोस्त और बहन जैसी भी थी और मुझे आगे बढ़ना चाहिए था लेकिन महविश भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी मैंने जब पूछा कि महविश कहाँ पर है तो इसकी खाला ने कहा कि इसकी माँ बेहोश हो गई है तो इसलिए महविश हस्पताल में है क्योंकि इन्होंने कहा था कि हस्पताल में भी तो किसी का होना ज़रूरी है यह बात भी ठीक थी इसकी माँ को हस्पताल में अकेले नहीं छोड़ सकते थे मैं चार पाई पर पड़ी थी जब इसे कफन पहनाने लगे तो इसकी फूफो ने चीखे मारना शुरू कर दी और कुछ औरतों को अंदर बुलाया मैं भी अंदर चली गई इसने कहा कि देखो ये क्या हो रहा है हमने जब सामने का मंजर देखा तो हम भी हैरान रह गए कफन तो फटा हुआ था हमने कहा कि आज कल के लोगों का भी कोई दीन ईमान नहीं है फटा हुआ कफन दे दिया है क्योंकि कफन पे कौन सा सस्ते रह गए हैं किसी ने कहा कि नहीं कफन फटा हुआ नहीं था अभी अभी फट गया है इसकी खाला ऐसी बात बिला वजह तो नहीं कर सकती थी आखिर खाला भी माँ की तरह ही होती है क्योंकि अंदर सिर्फ इसके फूपों और खाला ही थी वो भी बहुत परेशान थी रो रही थी इसने कहा कि कफन पहनाने लगी तो कफन फट गया बात हमें कुछ अजीब सी लग रही थी हमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कफन पहले से ही फटा होगा या फिर आपने ठीक से पकड़ा नहीं होगा या फिर कपड़ा कमजोर होगा लेकिन कपड़ा तो ठीक लग रहा था कफन का कपड़ा काफी भारी और मोटा होता है खैर दूसरा कफन मंगवा लिया गया और हम लोग बाहर आ गए लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से इसके चिल्लाने की आवाज़ आई वो फिर से चिल्लाने लगी हमने कहा कि अब क्या हो गया है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताती हम लोग पहले ही सामने का मंजर देख चुके थे कफन को आग लग चुकी थी कफन एक साइड से पूरा जल चुका था और ऐसा जल गया था कि अब इसकी खाला की हालत बहुत बुरी हो गई थी इसकी सांसें चढ़ी हुई थी ऐसा लग रहा था कि इसका ब्लड प्रेशर या तो हाई हो गया है या फिर लो हो गया है वो बहुत बुरी तरह से डरी हुई नजर आ रही थी वो वहाँ पर अकेली थी इसलिए हो सकता था कि इससे कोई गलती हुई हो लेकिन आस कहीं कोई माचिस भी नहीं पड़ी थी दरअसल ये बात इस तरह से भी अजीब थी कि इतनी नेक लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता था पहले इसका कफन फट जाए और फिर इसका कफन जल जाए ये तो बड़ी अजीब सी बात थी क्योंकि राबिया ने तो पूरे मोहल्ले में अपनी नेक किरदार और नेक सरत की वजह से मशहूर थी फिर ऐसा कैसे हो सकता था इसकी खाला की तबीयत भी अब ख़राब थी और इतनी ख़राब हो गई थी कि इसने कहा अब मुझसे यह सब कुछ नहीं होगा आखिर मेरी अम्मी आगे बढ़ी और राबा की एक चची ने हमारा साथ दिया इसने कहा कि मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ मुझे राबिया ने अपनी इस चची के बारे में बताया था इसने कहा था कि मेरी यह चची कोई अच्छी औरत नहीं है मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करती है अपने बेटे का रिश्ता मांगती है लेकिन इसका बेटा शराबी है इसलिए मेरे बाप ने इनकार कर दिया है मगर फिलहाल तो इसकी चची भी बहुत ही परेशान लग रही थी खैर हमने फिर से कफन मंगवाया क्योंकि बहुत देर हो रही थी वक्त गुजरता जा रहा था बार बार कफन मंगवा रहे थे मैयत को कफन पहनाने में कितना वक्त लगता है लेकिन यहाँ पर तो वक्त गुजरता ही चला जा रहा था फिर से कफन मंगवाया गया और इस दफा मैंने जो मंजर देखा मैं हैरान रह गई मैंने अपनी आंखों से देखा कि कफन फिर से फट गया एक तरफ से मैंने कपड़ा हटाया तो वो बिल्कुल ठीक था जबकि दूसरी तरफ से हाथ में पकड़ा मैं हैरान रह गई वो बहुत बुरी तरह से फट चुका था हमारे साथ इसकी चची भी खड़ी थी हो सकता था कि ये सब कुछ इसकी चची ने किया हो और मरने के बाद इसको बदनाम करना चाहती हो और बार बार ये सब कुछ कर रही हो हम लोगों ने कुरान पाक की सूरतें पढ़ना शुरू कर दी अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया अगर कोई अजाब हो तो वो ख़त्म हो जाए अब तो बात हमारी समझ से बाहर होती जा रही थी क्योंकि अजीब बात ज़रूर थी जो राब के साथ ऐसा हो रहा था पहले इसकी नागहानी मौत और इस तरह के अब तमाशे इस तरह के मामला बहुत ही कम सुनने में आते हैं कोई कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो इसके साथ ऐसे मामला तो नहीं होते ये तो दफन होने के बाद के मामला होते हैं दफनाने के बाद में ही पता चलता है कि इसके साथ क्या होना है और क्या नहीं इस तरह की बातें तो कम ही सुनने को मिलती हैं लेकिन इसके साथ तो ये सब कुछ पहले ही शुरू हो चुका था जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे मेरी दादी ने एक बात बताई थी इसने कहा था कि बेटा जब कोई उस दुनिया से चला जाता है ना तो इसको पता नहीं चलता कि वो मर चुका है वो वहीं पर फिर रहा होता है और अपने रिश्तेदारों को अपनों को रोते हुए भिलखते और परेशान होते हुए देख रहा होता है तो वो खुद भी परेशान हो जाता है और इनके पास आता है और इन्हें कहता है कि क्यों रो रहे हो मेरी तरफ़ देखो तुम्हें मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही वो इन्हें पकड़ने की कोशिश भी करता है लेकिन वो इन्हें पकड़ नहीं पाता यह सब कुछ मुर्दे के लिए बहुत ही सख्त होता है इसीलिए कहते हैं कि जल्द अज़ जल्द इसे दफना देना चाहिए और जैसे ही हम लोग मैय को दफना देते हैं और मट्टी डाल कर चले जाते हैं तब इसको पता चल जाता है कि वो इस दुनिया से चला गया है अगर ऐसा था तो इस वक्त राबिया भी यहीं कहीं थी और आस पास थी यानी कि इसकी रूह ये सब कुछ देख रही थी काश के वो बोल पाती तो हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाते क्योंकि अब सब लोग इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि राबिया कोई नेक लड़की नहीं थी कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा करती थी जिसकी वजह से अब इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है और वो सब के लिए इबरत का निशान बनती जा रही है पहली बार कफन फट जाना कफन में आग लग जाना ये सब कुछ कोई मामूली सी बात नहीं थी आखिरी दफ़ा कफन मंगवाया गया हम लोग छोटे से गाँव में रहते थे दुकान वाले ने कहा कि ये आखिरी कफन है अच्छे कपड़े का भी है मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग तीन से चार दफ़ा आ चुके हैं इस तक भी ये बात पहुंच चुकी थी जब आखिरी दफ़ा कफन पहनाने लगे तो इस दफ़ा सही तरीके से पहना दिया गया था मैंने भी शुक्र अदा किया कि चलो मामला हल हुआ ये जो कुछ भी था हम सब कुछ की समझ से बाहर था लेकिन जैसे ही मेरी माँ ने मुझे कहा कि ज़रा बाहर आवाज़ तो दो कि मैयत तैयार है और जनाजा ले जाया जाए मगर जैसे ही हमने पलट कर देखा तो कफ़न फिर से फट चुका था और इतना फट चुका था कि इस तरह से मैयत को बाहर नहीं भेज सकते थे अब तो मेरी माँ भी डरने लगी इसने मुझसे कहा कि चल बेटे यहाँ से चलते हैं यहाँ पर कोई ना कोई तो बहुत बड़ा अजाब आ रहा है कहीं हम भी इसकी लपेट में ना आ जाए मैंने कह दिया कि नहीं अम्मा ये मेरी बहन जैसी थी मैं नहीं जाऊँगी और मैंने अम्मी को गुस्से से कहा कि कहाँ जाएंगे हमारा घर भी तो टूट चुका है मैं इसको ऐसे हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी मेरी माँ के चेहरे पर हैरानगी और परेशानी थी वो गुस्से से कहने लगी कि चल यहाँ से नहीं तो तेरे पर भी कोई मुसीबत आ जाएगी तू देख नहीं रही तेरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है भला ऐसा कभी हुआ है मेरी माँ का डर भी जायज था लेकिन मुझे डर से ज़्यादा ये सवाल तंग कर रहा था कि यह सब कुछ कैसे हो रहा था मुझे पहले लगा कि शायद इसकी खाला ने जान ऐसा किया या झूठ बोला है फिर इसके चची ने यह सब कुछ किया लेकिन अब तो मैं खुद यहाँ पर खड़ी थी और मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी फिर यह सब कुछ कैसे हो रहा था रात हो गई अब फैसला किया गया कि बिना कफन के ही मैयत को दफना दिया जाए क्योंकि बहुत वक्त गुजर चुका था जब मैयत को हटाने लगे तो एक और मामला पेश आया मैयत बहुत वक्त तक चारपाई के साथ पड़ी रहने की वजह से चारपाई से चिपक गई थी और इस तरह से चिपक गई थी कि मामला बहुत ज्यादा संगीन हो गया था यहाँ पर सब कुछ बुरे से बुरा क्यों होता जा रहा था अब तो मेरे दिल में भी सवाल आने लगा मैंने कहा कि रबिया तुम तो ऐसी नहीं थी फिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है सब लोग यही कह रहे थे कि लगता है ये लड़की जान कुछ ऐसा करती थी कुछ ऐसा करती थी जिससे उसके साथ ऐसा बुरा हो रहा है कुछ लोग कह रहे थे कि ये दम करने के लिए लोगों से पैसे लेती थी तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये बड़ी ही खूबसूरत थी हो सकता है कि सबके सामने तो बुरका पहनती हो और पता नहीं बाद में क्या कुछ करती हो शायद इसने अपने कोई आशिक या यार बना रखे हो जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है लिहाजा फिर सभी ने जामिया मस्जिद के इमाम और मुफ्ती साहब को बुला लाने की बात की के वही आकर बताएंगे कि मामला क्या है और वही दुआ करेंगे शायद के मामला हल हो जाए कहते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा हो तो कोई अल्लाह का नेक बंदा अगर दिल से दुआ करे तो वक़ती तौर पर अजाब खत्म हो जाता है बस इतना हो जाएगा कि किसी तरह से मैय को दफना दिया जाए राबिया के मामले को अल्लाह के सपुर्द कर दिया जाए फिर जो कुछ इसके साथ होना है वो कब्र में ही होगा फिर इसका और अल्लाह का मामला है और एक और भी मसला था जो सामने आ रहा था राबा के लिए क़्रस्तान में जहाँ पर भी कब्र खोदी जा रही थी वहाँ पर ख़ुद ब खुद पानी भरना शुरू हो जाता था हालांकि बारिश का कोई भी मौसम नहीं था कब्रस्तान बिल्कुल खुश्क पड़ा था सिर्फ़ इसकी कब्र के अंदर ही पानी क्यों जमा हो रहा था गांव के लोगों ने बड़ी मुश्किल से इसकी कब्र से पानी निकाला था हम सब गांव वालों के लिए ये एक अजीब सा दिन था हम लोग हैरान भी थे और परेशान भी जो कुछ हो रहा था हमारी समझ से तो बाहर था मुफ्ती साहब का नाम अब्दुल सलाम था वो बहुत ही ज्यादा पहुंचे हुए बुज़ुर्ग थे वो भी राबिया के बारे में जानते थे इन्होंने राबिया को कुरान पाक हिफ़्ज करवाया था मुफ्ती साहब ने कहा मुझे तो कब से खबरें पहुंच रही थी कि बार बार यहाँ पर ऐसा हो रहा है लेकिन मैं किसी भी ऐसे मामले में बोलना नहीं चाहता था और आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुला लिया है तो मैं देखता हूँ कि मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ फिर मैयत को सही तरीके से ढक दिया गया और इनको बुलाया गया कि वो दुआ करें इन्होंने दुआ ही करनी थी और वो दुआ ही कर सकते थे इन्होंने सबसे कहा कि आप लोग भी कुछ ना कुछ पढ़ लें और इसकी रूह को सवाब भेजें ताकि अगर इस पर कोई अजाब आ रहा है तो वो खत्म हो जाए लोग तस्बिया करने लगे लेकिन इसके बाद जो यहाँ पर हुआ वो सब देख कर हम लोग हैरान रह गए क्योंकि मुफ्ती साहब जैसे ही दुआ करने लगे तो इनका हाथ मैयत पर लग गया और जैसे ही मैयत के चेहरे से कपड़ा हटा तो ये देखकर सब हैरान रह गए क्योंकि ये मैयत ये मैयत तो राबिया की नहीं बल्कि ये तो महविश की थी तो फिर राबिया कहाँ थी सब लोग हैरान रह गए जब वो मामला हुआ था जब जलजला आया था महविश को अब तक किसी ने नहीं देखा था इसके अबू का कहना था कि वो अपनी माँ के पास है मैंने अपने भाई को फ़ौरन हस्पता भेजा और कहा कि वहाँ जाकर पता करो और मुझे फ़ोन करके बताना इसने मुझे वहाँ पर जाकर फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर तो राबिया नहीं है और राबिया की माँ भी नहीं है राबिया की माँ का नाम सलमा बीबी था और अस्पताल वालों का कहना था कि सलमा नाम की औरत कोई भी यहाँ पर एडमिट नहीं है ये सब क्या तमाशा था ये क्या खेल था जो ये लोग खेल रहे थे इसका मतलब ये कि राबिया की मैयत नहीं बल्कि ये महविश की मैयत थी और ये सारा आज़ाब महविश की मैयत पर आ रहा था फिर मुझे राबिया की वो बात याद आई जब इसने कहा था कि महविश कुछ बहुत बुरा कर रही है और ये बात अम्मी अबू को बताना भी बहुत ज़रूरी है नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा मेरे दिल में एक उम्मीद जागी थी कि अगर ये राबिया नहीं तो मतलब कि राबिया ज़िंदा है मौलाना साहब और मोहल्ले वालों ने इसके वालिद को बिठाया और सारे मोहल्ले वालों ने सवाल किया कि तुम क्या कर रहे हो तुम्हारी एक बेटी फौत हो गई है तो तुम इसको इसके नाम के साथ दफनाओ इसको अपनी दूसरी बेटी के नाम के साथ क्यों दफना रहे हो इसके बाप ने रोते हुए कहा कि मेरी एक नहीं दो बेटियाँ इस दुनिया से चली गई हैं राबिया भी इस दुनिया से चली गई है लेकिन इसे हम लोगों ने सुबह ही इसके नाना के गांव भिजवा दिया है और वहाँ पर इसकी तदफीन भी हो गई है सब लोग कह रहे हैं कि इसकी कब्र से खुशबू आ रही है इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी क्योंकि वो एक नेक लड़की थी लेकिन महविश के साथ यही सब कुछ होना था और ज़लजला भी इसी की वजह से आया था क्योंकि महविश हमारे हाथों से निकल चुकी थी हमें राबिया ने बताया कि वो बहुत ही गलत काम कर रही है वो बहुत से लोगों से ताल्लुक रखती थी और वही काम कर रही थी जो किसी तवायफ़ खाने में होता है लेकिन अब वो ये काम घर पर बैठ कर रही थी उस रात जिस रात जलजला आया था हम लोग घर से बाहर थे और राबा घर पर ही थी महविश किसी अनजान लड़के को घर पर ले आई और उसे कमरे के अंदर ले गई राबिया ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो गलत काम करने से बाज ना आई और वो सारी रात उस लड़के के साथ ही रही राबिया भी कमरे के बाहर खड़ी दरवाज़ा खटकाती रही कि ये घर है कोई तवायफ़ खाना नहीं तुम ऐसी हरकतें मत करो लेकिन वो ना मानी यहाँ तक कि सुबह होने वाली हो गई और सुबह इतना तेज़ जलजला आया कि वो तीनों इस दुनिया से चले गए लड़के को तो इसके माँ बाप चुप करके उठा कर ले गए और हम लोगों ने जब महविश की मैयत को देखा तो हम समझ गए कि इसके साथ यही होने वाला है क्योंकि इस वक्त इस पर अल्लाह का अजाब शुरू हो गया था का चेहरा अजीब सा हो गया था इसलिए हमने चेहरे को छुपा दिया और अपनी इज़्ज़त को बचाने की खातिर ये झूठ बोला कि यह महविश नहीं बल्कि राबिया की मैयत है इसकी मैयत को तो हम पहले ही इसके नाना के गाँव भिजवा चुके थे कब्रिस्तान में इसको दफ़न कर दिया गया है और ये जो भी अजाब आ रहा है ये मेरी नेक बेटी राविया पर नहीं बल्कि महविश पर आ रहा है मुफ्ती साहब ने कहा कि आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया अपनी एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए दूसरी नेक बेटी की इज्जत को ख़राब किया और वो भी तब जब वो दुनिया से जा चुकी थी आप अपनी बेटियों को क्या समझते हैं एक बेटी के लिए दूसरी बेटी को बदनाम कर रहे थे फिर इसकी नेक नियति का क्या फायदा? वो तो बेमतलब ही पूरे मोहल्ले भर में बदनाम हो गई सब लोगों तक ये बात पहुंचा दी गई इसका बाप कह रहा था कि ये बात किसी को ना बताओ हमने कहा कि हम जरूर बताएंगे क्योंकि हम महविश को अच्छी तरह से नहीं जानते थे लेकिन राबिया को हम बहुत अच्छे से जानते थे वो बहुत नेक थी ये अजीब सा वाक्य देख लोग हैरान रह गए फिर लोगों ने महविश को मट्टी के हवाले कर दिया इसके दो दिन के बाद मैं अपने भाई के साथ उसी कब्रिस्तान पर गई जहाँ पर रबिया को दफन किया गया था मैं हैरान रह गई वाकई ही इसकी कब्र के पास से खुशबू आ रही थी ऐसी मीठी खुशबू जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सूँगी थी प्यारे दोस्तों ये था एक जिनाकार लड़की का और लड़के का इबरतनाक अंजाम इसीलिए इस काम को हमारे दीन इस्लाम में एक हराम अमल करार दिया गया है अल्लाह पाक हमें ऐसे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह पाक हमें ऐसे वाक़ात से इबरत हासिल करने की तोफ़ी अता फरमाए आमीन या आलमीन प्यारे दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा शुक्रिया